बच्चों आज अर्थ डे है यानी कि पृथ्वी दिवस। सेव अर्थ सेव एनवायरनमेंट यानी कि अपनी पृथ्वी को बचाओ, अपने पर्यावरण को बचाओ। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज पृथ्वी दिवस है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के रूप में 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सेनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में की थी एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में। इसकी स्थापना की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी विशेष दिवस के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, तो हम उस मैसेज से प्रेरित होकर कुछ करने का प्रण लें। आज पृथ्वी हमारे लिए एक माँ के समान है, एक जननी है हमारी। तो आज का दिवस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा रखें, पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ये मिट्टी, ये भूमि हमारी जननी है। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तापमान की अधिकता से पृथ्वी पर गर्मी ज्यादा हो रही है, जो मानव जीवन, वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आतंक है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसकी वजह हम लोग स्वयं है। कैसे? अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटना, ज्यादा मोटर वाहन का प्रयोग करना, पैकेट वाले फूड खा के, चिप्स खाते हो ना तुम लोग, खा करके कहीं भी अगर तुम लोग जो प्लास्टिक फेंक देते हो, ये जो है आज भी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ये काम। तुम लोग तो करते ही हो डेली, मना करते ना डस्टबिन में डालो, ये गलत चीज है। ये चीजें पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। अधिक पैदावार के लालच में किसान लोग कीटनाशक दवाएं डालते हैं, ये आज भी डाला जा रहा है, जिससे कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी फैलती है और इसके साथ कैंसर फैल रहा है। एक बात हम याद रखिए, आज हम पर्यावरण के साथ जो कर रहे हैं वही नतीजा हमारे सामने आएगा, वही हम भोगेंगे और आगे भी भोगेंगे। जैसा कि कहते हैं कि बड़े शहर बसाकर सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं, बड़े अजीब हैं हम लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं, है ना। अपने हाथों से पेड़ काट रहे हो, सोचते हैं कहीं हमको छाए मिल जाए। अगर आज हम सुकून और स्वास्थ्य से जीना चाहते हैं तो आज हमें संकल्प लें कि पैक्ड फूड कम से कम खाएं, प्लास्टिक उधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, ताकि वो बीमारी का कारण ना बने। उससे और जरूरत के अनुसार ही तेल वाहन जैसे कि मोटर बाइक का प्रयोग करें। अगर कम दूरी पर जाना तो साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, ठीक है बच्चों। और पृथ्वी दिवस पर सबसे बड़ा हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, हर बच्चा कम से कम अपने आस पास अपने गाँव मोहल्ले में 5 पेड़ लगाए, ठीक है। और अगर हमारी पृथ्वी के आंचल को हम पेड़ों से हरा भरा रखेंगे ना, तो हमें स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि प्रदान करेंगे। वो सुबह जगते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, सबसे पहले उठिए और धरती माता को ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। और अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और जागरूक होइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आसमां से उतर कर जमीन पर आ गई है। अब बात घूम फिर कर फिर हमी पर आ गई है। इस जमीन को बचाना है हमी से हमको। ये जिम्मेदारी फिर से हमी पर आ गई है। तो बच्चों जो मैंने बातें बताई उसका पालन करोगे ना, अपनी पृथ्वी को बचाओगे ना। देखो सेव अर्थ पृथ्वी को बचाओ, जैसे कि जितना जरूरत हो उतनी लाइट जलाओ। आप अपने कमरे से निकलो, लाइट ऑफ कर दो, लाइट फालतू नहीं जलते रहने देना चाहिए। फिर ये देखो रीयूज, घर में प्लास्टिक के बड़े बड़े आप लोग देखते ना, पार्टी बच जाती है, प्लास्टिक का डिब्बा बच जाता है, आप उसको कलर वलर करके उसमें अगर पौधा लगा दो
तो पौधा भी हरा भरा हो जाएगा और आपका वो डिब्बा कहीं सड़ने गलने से बच जाएगा और जो पृथ्वी पर पॉल्यूशन फैलती है वो नहीं फैलेगी। उसके बाद देखो रिसाइकिल, जैसे हमारे पास बहुत से छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, पेन होते हैं, तमाम प्लास्टिक सामान होता है, उसको हम रंग करके सजा करके तमाम कामों में यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं रिसाइकिल। तो वो चीजें इधर उधर फैल करके पॉल्यूशन फैलाने से बच जाएगा। उसके बाद ये देखो बेटा सेव प्लांट्स, सेव वाटर, फालतू पानी नहीं बहने देना चाहिए। अगर आप ब्रश कर रहे हो तो नल नहीं खुला रहना है, नल बंद कर दो, ब्रश कर लो, नल खोलो खुला कर लो। इस तरीके से अगर हम समझ कर चलेंगे कि कम से कम तेल वाहनों का प्रयोग करेंगे, साइकिल चलाएंगे, धनिया पत्ती लाने जाना है चल रहे हो बाइक से, नहीं पैदल चलो साइकिल से चलो, और इधर उधर चिप्स के पैकेट प्लास्टिक के पैकेट खा के नहीं फेंकेंगे और छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखेंगे। और हर दिन हर बच्चा अगर एक पौधा भी लगाता है तो हमारी ये धरती फिर से हरी भरी खुशहाल बन जाएगी, है ना।